में आज हुआ, भगवा झंडे लगा दिए गए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो सीधे मानना है कि ये लोग विश्वविद्यालयों को समझ ही नहीं पाते हैं। विश्वविद्यालय अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स और विश्व। जब तक आपका वैश्विक दर्शन नहीं होगा, वैज्ञानिक सोच नहीं होगी, अब झंडा कोई सा भी लड़ा लो, आप विश्वविद्यालय को समझ ही नहीं पा रहे हो। आप बड़ी बौनी समझ के लोग हो। यहाँ तो बात करनी थी महंगाई पे, बेरोजगारी पे, तो आपको तो फुर्सत नहीं है। मांस मछली मटन हिजाब लाउडस्पीकर अजान रमजान के बुलडोजर चलाना है ना, तो बुरी नीयत पे चलाओ। आप तो संवैधानिक रवायतों पे बुलडोजर चला रहे हो। मेरे लिए भी बहुत आसान था हमारे लिए, नारायण भाई के लिए जय भीम कहते हुए यहाँ पुष्पांजलि रखो, यहाँ मोमबत्ती दिए जलाएं, प्रणाम करें, जय भीम बोले, और फिर अगले साल भी 13 अप्रैल का इंतजार करें कि 13 अप्रैल आएंगे। 13 अप्रैल से लेकर के अगली 13 अप्रैल के बीच में हम ने अंबेडकर के विजन के लिए क्या सोचा? मैं अपने संसद के अनुभवों को अगर आपको बताऊं तो आपको ताज्जुब होगा कि जिन लोगों को आप सबसे ज्यादा शिद्दत से अंबेडकर साहब की मूर्ति पे माल्यार्पण करते देखते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा सोशल जस्टिस के खिलाफ खड़े रहते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा ये कोशिश करते हैं कि ये धारा कमजोर हो। गोंदिया में मैंने यही कहा, लोगों से यह आग्रह किया कि जब आप रात को घर वापस जाए एक बार जरूर सोचे कि एजुकेट एजुटेट ऑर्गेनाइज, कि एक एक लफ्ज को आपने कैसे जिया अपनी जिंदगी में। हाल के दिनों में पहले भी मैं जब यहां आया हूं, तकरीबन 6 वर्ष बाद इस ग्वायर हॉल में आया हूं, शायद बीच में 3 वर्ष हुआ भी नहीं था ये प्रोग्राम, तो अक्सर ग्वायर हॉल और सोशल वर्क को लेकर के मेरा मानना है कि हम लोग एकदम फर्स्ट कजिन हैं। और आज से ये रिश्ता नहीं है, बहुत पुराना है। जब मैं 90 में यहाँ आया, एडमिशन ली, तो मैं अभी कह रहा था तो किसी ने कहा, हमारे कामख्या जी ने, इन्होंने कहा कि आप स्टूडेंट्स को बताइएगा, मैं बिहार से आया था, एक तो आइसक्रीम के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी और दूसरा कसाटा आइसक्रीम के बारे में जानकारी नहीं थी कि ब्रेड पर भी आइसक्रीम बन सकता है। तो यहाँ उस वक्त मेरे एक मित्र थे जो मेस सेक्रेटरी थे, आज मैं आपको बताऊं, शायद आप में से कुछ लोग जान जाएं, ग्लूकॉन डी बिस्किट का वो जो ऐसे तस्वीर के साथ एक स्लोगन आता है, ये आप ही के हॉस्टल के सीनियर ने लिखा है, उनका नाम भूषण था, यही रहते थे, मेरे सेक्रेटरी थे। तो रात को आए तो उन्होंने कहा कि कूपन कटाओ, आइसक्रीम खाओ। तो मेरी जिंदगी का पहला कसाटा आइसक्रीम ग्वायर हॉल की देन है और इसलिए मैं इस योगदान को कभी नहीं भूल सकता। एनीवे, कमिंग बैक टू द इम्पॉर्टेंट some of the important issues which I had listed to share with you all today. देखिए, एक तो चीज हो सकता है कि मैं जानता हूं कि बाबा साहब जिस दौर में अपनी बात रख रहे थे वो दौर बहुत मुश्किल दौर था, लेकिन उस दौर के जो नेता थे उनके समक्ष सब एक जैसे करके थे, चाहे बापू हो, बाबा साहब हो, नेहरू हो, पटेल हो, आज जो बौनी समझ के लोग हैं वो जब टिप्पणी करते हैं बाबा साहब पर या महात्मा गांधी पर या नेहरू पर तो ताज्जुब होता है, क्योंकि ये चीजें, ये रवायतें बदलनी होगी। और मैं लगातार कह रहा हूं, सदन के अंदर मैंने कहा था, तो खैर वहां मुकदमा नहीं हुआ तो यहां भी नहीं होगा, मैंने कहा था कि अगर कभी कभी कल्पना करना बहुत अच्छा होता है, और छात्र जीवन तो कल्पनाओं के लिए अभी असीम आकाश है। मैंने गोंदिया में भी कहा था कि अगर बाबा साहब पीछे से चलते हुए आ जाए, फर्ज कीजिए कि महात्मा गांधी भी फिर से पृथ्वी पर आ जाए, जानते हैं पहला काम क्या करेंगे महात्मा गांधी? पूना पैक्ट पे अपने पोजीशन को बदल करके बाबा साहब के पोजीशन को आगे करेंगे। अब यह पूछिएगा कि ऐसी क्या दिक्कत है पूना पैक्ट? तो हर नुमाइंदा दलित बहुजन समाज का राजेंद्र पाल गौतम नहीं होता, लोग पार्टियों के विप से बंधे होते हैं, अपने समाज के विप को नहीं समझते हैं। बाबा साहब चाहते थे कि जिस समाज की संचेतना उस स्तर पर हो, उस समाज के इलेक्ट्रेट का प्रोविजन चुनने की प्रक्रिया अलग होनी चाहिए, हमने नहीं माना। अब आप देखिए कि सदन में जो सदस्य हैं उनका अलग अलग मुद्दों पर क्या नजरिया है, ये क्यों हो रहा है? अगर 1932 में वो पैक्ट ना हुआ होता तो शायद आपके संसद की भी तस्वीर, हमारे संसद की तस्वीर अलग हुआ करती।
ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इस पर सोचिएगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये घटना मैंने बहुत लोगों को सुनाई है, धनंजय कीर की बायोग्राफी से मैंने ली है, और ये घटना इसलिए भी सुनानी आवश्यक है क्योंकि घटना में पात्र बदल गए, कथानक बदल गए, लेकिन कथा नहीं बदली। हुआ यूं कि बाबा साहब मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे स्टूडेंट, प्राइमरी कक्षा में थे, शिक्षक ने कहा बाबा भीम आओ सॉल्व करो इस सवाल को, तो भीम पीछे से चले। अब पीछे में क्यों थे इस पर भी कोई ताज्जुब नहीं हो सकता, क्लास के बाहर ही बैठे हुए थे क्योंकि तो अक्सर तुमको क्लास के बाहर ही बिठाया जाता था। तो वो ज्यों ही चलने को आगे हुए तो जो डोमिनेंट कास्ट के बच्चे थे भाग के आए ब्लैक बोर्ड के पास, क्योंकि तो उनके टिफिन बॉक्स ब्लैक बोर्ड के पास था और उन्हें लगा कि शायद भीम के वहां पहुंचने से उनका खाना अशुद्ध हो जाएगा, शायद तो मैं कह रहा हूं उन्हें लगा अशुद्ध हो जाएगा। जो जो साउंड था टिफिन बॉक्स को निकालने का, उसका टन टन टन, बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब पहुंचे तभी जिक्र किया कि वो आवाज मेरे कानों में अभी भी गूंजती है। आप पूछिएगा कि अब तो ऐसे हालात नहीं है, मैं मानता हूं अब ऐसे हालात नहीं है, अब हालात उससे ज्यादा बुरे हैं। क्यों मैं कह रहा हूं, द नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैज बिकम मच मोर सोफिस्टिकेटेड एंड आई से दिस ड्यूरिंग बाबा साहब्स टाइम देयर वाज नॉट अ प्रोविजन कॉल्ड नॉन फाउंड सुटेबल। Now you have a new discriminatory, sophisticated, very modern, rather post-modern tool, which is called non-found suitable. क्या है ये? उसी टिफिन से मिलती जुलती आवाज नहीं। और खैर, बहुत क्योंकि जयंती का दिन है तो मैं बहुत सारे अवसाद की चीजें नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना दो चीजें कह करके, एक मैं आज ही मैंने आपके लिए एक चीज शेयर करने को सोचा। हम अक्सर बहुत सारी चीजों पे बात करते हैं बाबा साहब के नजरिए से, जैसे सोशल डेमोक्रेसी, डू वी रियली पे अटेंशन टू द फैक्ट दैट व्हाट ही एक्चुअली मेंट व्हेन ही वांट एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट इफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन योर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी शैल बी ब्लोन अप। ही नेवर पेड अटेंशन। The fact is we are much more comfortable with the idea of social inequality today than we ever were. आप बताइए किसी भी political party के manifesto में आम से लेके खास कहीं भी आपको equality शब्द धीरे धीरे गायब हो रहा, समता मूलक समाज की स्थापना, लोग कहते हैं तो सपना है, सपने में क्या जीना, सपने ये कभी नहीं होगा। बाबा साहब न्यू द चैलेंजेस, येट ही ड्रीम्ड ऑफ इट, ही टोल्ड अस द ब्लूप्रिंट, द रोड मैप, इट जस्ट दैट वी हैव क्रिएटेड रोड ब्लॉक्स इन दैट रोड मैप, दैट्स व्हाई द मैप्स आर मिसिंग, द ब्लॉक्स आर मिसिंग, एंड आई थिंक दिस शुड बी समथिंग विच दिस शुड बी समथिंग विच वी मस्ट कैरी फॉरवर्ड। सेकेंड विच इज वेरी डियर टू माई हार्ट, That is negating hero worship. बाबा साहब इस मुल्क के मिजाज को जानते थे, जहां 70-80 करोड़ देवी देवता हूं वहां हर आदमी एक नया देवता कराने की कोशिश करता है, कभी कभी तो ऐसों को भी देवता बना देता है जिनमें देवत्व के 1% भी लक्षण नहीं होते, लेकिन जब इंसान देवता बन जाता है उसे मजा आने लगता है, क्योंकि तो देवता बनने में सबसे खास बात क्या है ना, There are free holidays. सामने में आके भगत आपसे सवाल नहीं पूछेगा, तो कहेगा जी हुजूर, मालिक आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। He warned us, and you know he warned against what? Whom? उन्होंने कहा great men discard this idea of great men. लेकिन हाँ, हम सब इस quotation को सामने रखते हैं, लेकिन hero worship में हम compete करते हैं दूसरे से, और वो डेमोक्रेसी के लिए मैं समझता हूं सबसे बड़ा खतरा है। कितना बड़ा खतरा आप इन दिनों देख रहे होंगे, और ऐसा नहीं है कि पहली बार देख रहे हैं, 75 में भी लोगों ने देखा, लेकिन 75 में व्हाट्सएप नहीं था, तो देवता को व्हाट्सएप की यात्रा नहीं करनी पड़ती थी, अब के देवता तो सुबह सुबह व्हाट्सएप से हमारे पास पहुंच जाते हैं कि भक्त आज के लिए तुम्हारा ये काम, भक्त उस काम में लग गए, भक्त कल के लिए तुम्हारा ये काम,
गलत है, तो कहां कैबिनेट, कहां कैबिनेट, कहां कार्गनाइज। जिस समाज में ये पता चल जाए कि विभाजन से ना सिर्फ मत मिलते हैं बल्कि स्वीकारोक्ति बढ़ती है, वो समाज बाबा साहब का समाज नहीं हो सकता। कोई भी मजलूम किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, बाबा साहब अगर आज होते तो पहली चीज ये कहते कि ये जो संविधान हमने दिया था ना, ये इस देश के लिए नहीं दिया, और अगर दिया भी था तो ये बंदर के हाथ में हम क्या कहते हैं, नारियल कह लीजिए, उस्तूरा में थोड़ा हिंसा की हुआ थी, नहीं उस्तूरा तो कहते हैं गंजे के हाथ में उस्तूरा, बंदर के हाथ में नारियल। तो ये मैं कहना चाहता था, और एक मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ खास तौर पे आपके लिए। और एक और चीज, मैं दो मिनट और बाबा साहब पर उनके शिक्षकों का बहुत इन्फ्लुएंस है, मैं अक्सर मैंने लिखा भी है और बोलता भी हूँ। जॉन डीवी, कभी मौका लगे जॉन डीवी को पढ़िए, गूगल करिए, लेकिन विकिपीडिया से मत पढ़िए, गूगल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप सब हैं, आपको जे स्टोर का वो होगा, तो आप जॉन डीवी को पढ़िए। जॉन डीवी का इन्फ्लुएंस था बाबा साहब पे, और वो जो एक टीचर और एक स्टूडेंट का एक नैसर्गिक रिश्ता होना चाहिए, उसकी बेमिसाल, उसका बेमिसाल उदाहरण मैं समझता हूँ बाबा साहब की सोच, उनकी समझ में है। अब आता हूँ महात्मा गांधी। देखिए, मैं मेरा उद्देश्य ये कतई नहीं है कि आपके मध्य मैं आज कहूँ कि बाबा साहब बनाम गांधी या बनाम नेहरू या बनाम पटेल, ये बनाम की चीज़ें हमने बहुत देखी, ये बिला वजह नहीं है कि बाबा साहब अपनी मृत्यु के बाद इतने ऊंचे कृत्य हो गए हैं ना कि बौनी समझ वाले लोग जो उनकी उनकी उनके बातों से इत्तफाक नहीं रखते हैं वो भी जाकर सजदा किया करते हैं। ये उपलब्धि है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आज, फिर से एक बार कह रहा हूँ, काउंटर फैक्चुअल इमेजिनेशन एक इतिहास की धारा होती है, जब आप कल्पना करते हैं कि सीजर अगर रूबिकॉन क्रॉस ना किया होता तो क्या होता, उसी तरह से मैं अगर कल्पना करूँ कि बाबा साहब बाकी लोग आ जाए, तो शायद आपको तस्वीरें मेरे कमरे में, मेरे पीछे मैंने एक तस्वीर लगाई है गांधी बाबा साहब नेहरू के साथ साथ। किसी ने कहा कि इनमें तो बड़ी भिन्नताएँ थी, मैंने कहा जी भिन्नताएँ थी, 40 के दशक में थी, 30 के दशक में थी, अगर उन्हें सांस लेना पड़ता ना 2014 के बाद तीनों मिलकर अलायंस कर लेते, और एक बढ़िया वैचारिक अलायंस करते, एक दूसरे से सीखते, एक दूसरे को सिखाते। इसलिए मैंने कहा था पुनः पैक्ट वाली बात। पहला आखिरी 32 से पहले गांधी से बाबा साहब पहले मिलने वाले थे, गांधी ने कहा कि अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपके पास आ जाऊं, बाबा साहब ने कहा कि आप क्यों आएंगे, आप इतने बड़े नेता, मैं आ जाऊंगा। शाम को उनको बुखार हो गया, उस दिन नहीं जा पाए, बाद में तकरीबन 5-7 दिनों के बाद गए। तो आज मैंने आपके लिए सिर्फ ये, बाबा साहब को गांधी बताते हैं कि देखो मैंने कितना किया, मैंने अनटचेबिलिटी को कांग्रेस के एजेंडे में लेकर के आया, 20 लाख रुपये खर्च किए हैं और ये वगैरह वगैरह, तो वो उसको प्रतिकार करते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं, ये मानता हूँ कि आपने इस पर ज़रूर ध्यान दिया, लेकिन जैसे खादी पहनने को आप इंटीग्रल बना दिया आपने कांग्रेस में, वैसे ही अनटचेबिलिटी के लिए भी आपको करना चाहिए। देन ही मूव्स ऑन टू से, अंबेडकर टेल्स गांधी, आई हैव नो होमलैंड, गांधी टेकन अबाउट एंड कटिंग हिम शॉर्ट, यू हैव गॉट अ होमलैंड एंड फ्रॉम द रिपोर्ट्स दैट आई हैव रीच्ड मी ऑफ योर वर्क एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आई नो यू आर अ पेट्रियट ऑफ स्टर्लिंग वर्क। अंबेडकर रिस्पॉन्स, You say I have got a homeland, but still I repeat that I am without it. How can I call this land my own homeland and this religion my own, wherein we are treated worse than the cats and dogs, wherein we cannot get water to drink? The injustice and sufferings inflicted upon us by this land are so enormous that if knowingly or unknowingly we fall a prey to the disloyalty to this country, don't call us traitor. Your country is responsible. This was reported in the press, was recorded. एक बार सोच के देखिएगा कि जिस कर्मकांड, नियतिवाद, भाग्यवाद का विरोध करते करते बुद्धिज्म को इमेंसिपेशन के इंस्ट्रूमेंट के रूप में बाबा साहब ने स्वीकार किया, हमने क्या किया? क्या हम ज्यादा कर्मकांडी नहीं हो गए?
नियतिवादी नहीं हो गए, भाग्यवादी नहीं हो गए। मुझे किसी ने पूछा गोंदिया में, मैं दोहराता हूँ कि बाबा साहब ब्राह्मण ब्राह्मणवाद किसके विरोधी है, मैंने कहा ब्राह्मणवाद के विरोधी। उसने पूछा क्या फर्क है एक महिला पत्रकार, मैंने कहा फर्क ये है कि जो व्यक्ति नियतिवाद जातिवाद हायरार्की पोल्यूशन प्योरिटी सामंती सोच में यकीन करता हो वो ब्राह्मणवादी है। अगर कोई ब्राह्मण इससे मुक्त है तो वो ब्राह्मणवादी नहीं है, अगर कोई दलित बहुजन भी इससे युक्त है तो वो ब्राह्मणवादी। ये फर्क हम लोगों के बीच में बाबा साहब देखे गए। हमने उन तमाम चीजों को दरकिनार कर दिया। अगली 13 अप्रैल को जब हम मिले और मिलेंगे तो 13 अप्रैल के इस 13 से उस 13 के बीच में हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसे भी काम करें जिससे कि ये रिचुअल न बन के रह जाए। बड़ा आसान है पुतला गढ़ना, मूर्तियां बनाना, बहुत मुश्किल है विचारों को आत्मसात करना। हम दूसरे चीज के साथ खड़े रहें, पहले तो अपने आप में हजारों की संख्या बनेंगे। जय हिंद जय भारत। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।